तो आ गए हैं मम्मी पापा, तो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। ये चौथा एक फालतू बंदा हमारे साथ, सब्सक्राइब करो ताकि What is up guys? कैसे हो आप सब? Hopefully सब बढ़िया ही होगा। आ गए हैं नए व्लॉग के साथ और इस व्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, सो व्लॉग तो पूरा देखना क्योंकि आज है मम्मा पापा की एनिवर्सरी एंड हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे इसको होपफुली। फिलहाल मैं कर रहा हूँ रनिंग और सुबह की शुरुआत रनिंग से करना मतलब मजा आ जाता है। देखो मैं भी वन ऑफ दोज में से आता था जो लेट उठते थे, मैं कभी उठा ही नहीं जल्दी, मतलब मैंने यूजली मैं उठता था कुछ 2-1 बजे तक, समझ सकते हो इतना लेट उठता था। लेकिन जब से मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया है पूरा दिन एनर्जेटिक जाता है मेरा। अभी करते हैं रनिंग और उसके बाद मिलते हैं। तो ये है परुण, ये भाग क्यों रहे हो तुम यार? ये है सुमित, ये है परुण, परुण को तो सारे ही जानते हैं, ये अमित। सो यही है हमारा कंप्लीट ग्रुप, हम यही 4 बंदे रनिंग करते हैं, लेकिन यूजुअली ये दोनों नहीं आते हैं, हमें ही जाना पड़ता है। ये है अमित, देख लो इसकी शक्ल ध्यान से, और ये है सुमित, इसकी भी शक्ल ध्यान से देख लो, ये छोटा हमसे। Yes guys, हो चुकी है रनिंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू होम। और जैसे कि मैंने आपको बताई है कि आज मम्मा पापा की एनिवर्सरी, तो इनको भी नहीं बताया, इनको भी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया ताकि एक टाइप का सीक्रेट रहे। तो यस, आज मम्मा पापा की एनिवर्सरी, तो अभी जा रहे हैं घर पे एंड घर पे जाके उनको करते हैं विश। पहले घर जाते हैं एंड घर जाके मिलते हैं। है घर, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ चाय बनाई आते ही, क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत चाय के बगैर तो नहीं हो सकती, तो बना ली है चाय। सो चीयर्स। चाय तो अभी पी ली है एंड टाइम हो रहा है अभी कुछ 7 बजे, तो अभी कुछ करने को नहीं है। बाकी एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने सोचा था डेली व्लॉगिंग के लिए, तो अब मेरे को नहीं लगता मैं करूँगा, बिकॉज मेरे पास उतने नहीं है गैजेट, एडिट करने में ही मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो आई गेस नहीं कर पाऊंगा मैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ, तो ये चीज मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। जैसे आज अगर एनिवर्सरी है, कल थोड़े दिन पहले रिपब्लिक डे था, तो ऐसे ही आगे जाके और भी कुछ ओकेजन आएंगे, तो मैं व्लॉग तो बनाऊंगा, वो तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चाहे एक एक दिन बाद ओकेजन आए तो मैं एक एक दिन बाद ही व्लॉग बनाऊंगा, हफ्ते का तो एक आएगा ही आएगा। बाकी 12 फेब से थोड़ा मैं कंसिस्टेंट और हो जाऊंगा शायद, क्योंकि अगर पेपर नहीं हुए, पेपर हो जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, तो स्टडीज भी करनी है, उस पर भी ध्यान देना। नहीं हुआ पेपर तो फिर मैं इस पर कंसिस्टेंट रहूंगा, हफ्ते के 2 भी शायद मैं डाल दूं व्लॉग्स। आप बताओ क्या आपको लगता है कमेंट सेक्शन पे कि ठीक है ये करना, क्योंकि नहीं हो पाएगा मेरे से, समझो मेरे को भी समझो। एंड यस, आई विल ट्राई माय बेस्ट, जितने भी सब्सक्राइबर हैं इनके लिए भी कुछ करूंगा, और बाकी जिन्होंने नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर दो यार, उस ग्रे कर दो बटन को, 1K करने हैं हमने एंड उसके बाद फिर आप और अच्छा कंटेंट मिलेगा। फिलहाल 1K का टारगेट है, 1K करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। अभी सर को मैंने कॉल किया एंड फाइनली ट्यूशन जाऊंगा मैं आज। और मेरी ट्यूशन नहीं होती आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन आज मैं ट्यूशन जाऊंगा, पढ़ने जाते हैं ट्यूशन, ट्यूशन के बाद मिलते हैं। Yes guys, ट्यूशन पढ़ के मैं आ चुका हूँ एंड अभी मैं हो चुका हूँ फ्रेश और अभी मैं तैयार भी हो चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ। तो अभी हमारा जाने का प्लान है, क्योंकि आज है एनिवर्सरी, तो आज घूमने में टाइम इन्वेस्ट करेंगे, खाएंगे पियेंगे अपना मतलब मजे से करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जा रहे हैं भावे माता, क्योंकि दर्शन करेंगे पहले भावे माता के। तो सबसे पहले आपको मम्मा पापा से मिलाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आ गए हैं मम्मी पापा, तो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। तो बोलो क्या बोलना चाहते, कितने साल हो गए आपको साथ में? मतलब आई गेस 18 साल हो गए हैं पापा, लड़ते हो। सो ब्लेसिंग करो, हाँ कमेंट्स में जरूर लिखना, ब्लेसिंग्स देना एंड आज एनिवर्सरी। तो अभी हम जाने वाले हैं भावे माता एंड भावे माता मिलते हैं आपको, ठीक है? सो चलो चलते हैं। गाइस यही है हमारे घर में एक फालतू बंदा, ये दिमाग खराब करता है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। 3 बंदे बैठे हैं रिक्शा में, मोस्टली 2 बैठते हैं, हम 3 बैठे हैं, ये चौथा एक फालतू बंदा है हमारे साथ, बोलना चाहता है अपने बारे में कुछ, बेइज्जती कुछ और कुछ, तू भी बोलना ना भाई, मैं तेरा इतना भूखा हूँ, मैं हूँ वो भी।
बोलना क्या आई एम फूडी और मैं ये बोलता हूं फूडी फूडी नहीं मैं खाने में तेज हूं। सो गाइज आ चुके हैं हम बावे एंड अभी जा रहे हैं दर्शन करने। एक कोइंसिडेंस हो गया है कि जो मैं पहले पहन के आया था कपड़े वही मैं आज पहन के आया हूँ, तो आज भी बावे इसी कपड़ों में जा रहा हूँ। तो अभी जाके आगे दिखाते हैं आपको कैसे करने हैं दर्शन वगैरह। अंदर फोन अलाउड नहीं है, पिछली बारी भी मैं गया था तो फोन अलाउड नहीं था, तो अभी जा रहे हैं अंदर और आगे जाके आपको दिखाते हैं। जा रहे हैं अभी आगे और मास्क पहनेंगे, मास्क नहीं खोलेंगे। कभी बाहर आ रहे हो मास्क पहन के रखना, मास्क मत खोलना। एंड अभी मैं जा रहा हूँ अंदर और घर वाले आ रहे पीछे, मैं जाऊँगा आगे क्योंकि मैं कर रहा हूँ व्लॉग शूट। सो सारे तो इसी दुकान में आते हैं, तो पीछे वालों का क्या हो गया? तो आप आओगे तो थोड़ा पीछे वालों को भी सहयोग देना, पीछे वाली दुकान पे भी शूज खोला करो, यहाँ पे ही नहीं खोला करो एट द एंड। सो हाँ उनके भी पैसे बन जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट में आके ही खोलने हैं, पीछे भी खोल लिया करो। जिस दिन गर्मी होगी पीछे खोल लेना एंड जिस दिन सर्दी होगी फिर आगे आके खोल लेना, ठीक है? मंकी आ रहे हैं इधर पीछे, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मुझे कोई डर नहीं है। तो मंकियों से बचने के लिए कोई भी बैग के अंदर रखना, जो भी खाने के लिए मतलब जो भी प्रसाद वगैरह लाओगे। सो इट्स 10:30 एंड हम जा रहे हैं बावे माता, तो दर्शन करके मिलते हैं। पता नहीं क्या लग था मेरा, तो मोबाइल अंदर मेरे को लाने दिया, आ गया मतलब मैं मोबाइल अंदर लेके एंड नहीं बोला किसी ने, हमेशा यूजुअली बोल देते हैं वो नहीं लाने देते हैं, कभी आप आओगे सो मेक श्योर जमा करा लेना वरना तो पकड़ ही लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पकड़ा। मंदिर में आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फोन ले आए तो आप पूरी वीडियोज बनाओ ना, अगर रूल है तो उसको फॉलो करना हमारे लिए एक ड्यूटी है। तो इसलिए मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ दो शॉर्ट्स लिए हैं, दो ही बारी मैंने कैमरा बाहर निकाला एंड वीडियो शूट किया, ठीक है? तो हमें रूल फॉलो करना चाहिए, बस यही बोलूंगा। सो यही हमारा जम्मू का फेमस मंदिर बावे मंदिर, जो मेरे पीछे आप देख सकते हो। ज़्यादा शॉट्स मैंने नहीं लिए क्योंकि कैमरा यहाँ पे अलाउड नहीं होता, इस बारी मैं लेके आ गया, मेरी किस्मत ही थी आई गेस, लेकिन मैं ज़्यादा बाहर नहीं लगा लूँगा कैमरा। तो यही है मेरे पीछे बावे माता, तो जय माता दी। आप जोर से बोलो तो चलो चलते हैं। अभी तक तो एनिवर्सरी मम्मा पापा की मस्त जा रही है मम्मी पापा एनिवर्सरी मस्त जा रही है ना अभी तक। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की बाबा माता से, की दर्शन से हमने शुरू की एंड पंडित से भी आशीर्वाद लिया हमने, मतलब मस्त गया। और कैमरा अलाउड हो गया अंदर जो कि बहुत बढ़िया था, तो मैं अंदर के भी दो तीन शॉट ले गया। जोर से बोलो ये लो। सो गाइज प्लान में आया है चेंज, और हमारा मन था डोमिनोज जाने का लेकिन अब प्लान में आ गया चेंज। घर वाले बोल रहे हैं कि हमने जाना है पंजाबी हवेली, तो अभी चलते हैं पंजाबी हवेली एंड वहां जाके आपको दिखाते हैं। सो गाइज खड़े होके 10 मिनट वेट करके डिसाइड कर लिए कि कहाँ जाना है, तो हम जा रहे हैं पंजाबी हवेली, देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैं नहीं गया हूँ कभी भी, जाते हैं अंदर देखते हैं क्या क्या सीन है यहाँ का। दिस इज अंबरसरी स्पेशल थाली एंड इसकी कॉस्ट है 280 rupees, तो यही हमने मंगाई है 3 plates, तो अब इसको खाएंगे एंड फिर मिलते हैं। एंड अभी ये चाय पी रहे हैं। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, एक नंबर मैं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आया हमें। प्राइजेस भी थोड़े डिसेंट ही थे लेकिन हमें मजा आया, लिटरली गाइस बहुत अच्छी जगह थी, बहुत मजा आया हमें। हॉस्पिटैलिटी भी यहाँ पे 100 out of 100, बस प्राइस थोड़े डिसेंट है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन यस हमें मजा बहुत आया। तो आप श्योरली यहाँ पे विजिट करना, फिलहाल फोटो शूट कर रहे हैं एंड फिर चलते हैं घर। आ चुके हैं घर एंड बहुत मजा आया आज पूरे दिन में, बताना आपको कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में, एक चीज कर देना कि हैप्पी एनिवर्सरी लिख देना। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा वीडियो को कर देना लाइक, 50 likes का एक रख रहा हूं मैं, तो 50 likes कर देना कंप्लीट
एंड कर देना चैनल को सब्सक्राइब. तब तक के लिए सी यू, पीस. शुरू हो जा. Yeah.